लोग आ रहे हैं, 24 वर्ष की परिक्रमा। ये है सोभावती का समाधि स्थल, प्राय फिलहाल तो दर्शन करते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 10:30। फिलहाल तो मम्मी गई हुई है मंदिर के दर्शन करने के लिए और मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। कचरा वाली गाड़ी आई है, ये तो पहले कचरा गिर के आता हूँ मैं, उसके बाद में आऊंगा। ये रहा कचरा, तो कचरा गिर के आते हैं। कचरा गिर के आते हैं जल्दी से। रुद्रा बाबू तो फिलहाल तो वो आ रही कचरा वाली गाड़ी, कचरा गिर के आते हैं उसमें। तो कचरा गिर दिया, थोड़ा बहुत हाथ से भी लग गया कचरा। भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। तो फिलहाल तो कचरा गिर के आ गया, अब नहाऊंगा मैं, कि थोड़े बहुत हाथ भी गंदे हो गए तो हाथ को धोते हैं। आ गया, अब खाऊंगा समोसा, मम्मी लेके आई थी समोसा। गाइस चलते हैं, फिलहाल सुनील इधर पता नहीं क्या करने को लगा हुआ है, तो चलो गाइस और आपको दिखाते हैं 24 कोस की परिक्रमा किस प्रकार होती है। वाले हैं सोभावती, देख सकते हो आगे की तरफ टेंट लगे हुए हैं, भंडारा स्टार्ट है, तो हम इधर ही रुकेंगे और देख के आएंगे, अंदर मंदिर के दर्शन भी करेंगे और ये देख सकते हो सीधा भंडारा, अंदर चलेंगे। ये देखो काफी लोग आ रखे हैं, ये 24 कोस की जितने भी लोग आए हैं सारे 24 कोस की परिक्रमा चढ़ने आए हैं। इधर से स्टार्ट होती है 24 कोस की परिक्रमा, इधर से स्टार्ट होके वहां तक जाएगी। फिलहाल तो इधर लगाते हैं अपन बाइक। गाइस फिलहाल तो अंदर की तरफ चल रहे हैं मंदिर के, और देखो काफी लोग आ रखे हैं। 24 कोस की परिक्रमा सोभावती से स्टार्ट होके लोहागढ़ जी खत्म होती है, तो अंदर चलते हैं और अंदर की तरफ दर्शन करते हैं। काफी लोग आ रखे हैं मेरे पीछे देख सकते हो आप, और अंदर की तरफ चलते हैं। इधर क्या है, जूते चप्पल खोल देते हैं उसके बाद में चलेंगे अंदर। जय हो सोभावती माता की जय। तो फिलहाल तो अंदर आ गए मंदिर के, इधर देखो भजन भजन हो रहा है। सोभावती का समाधि स्थल देख सकते हो, इधर नहा रहे हैं लोग। टेंट वेंट लगा के अच्छे तरह से, और डीजे वीजे बज रहा है, मतलब वो स्वामी वामनी की अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है। इधर इधर से स्टार्ट होती है 24 कोस की परिक्रमा, और इधर से आके लोग अच्छे तक खत्म होती है। फिलहाल तो काफी लोग आ रहे हैं, अंदर नारे भी हैं, कुंड भी, अभी ताजा ताजा कुंड बना है स्मृति भवन समाधि भवन पे, अंदर अभी मजेदार सीन हो रखा है इधर का। इधर से बाइक उठाते हैं आगे की तरफ, आपको लेके चलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या सीन है इधर। इधर देख सकते हो आप, ये था सोभावती। अब सोभावती से सीधा चलेंगे अपन, सोभावती से आगे क्या है नाकुंड, तपकेश्वर, तपकेश्वर, तो तपकेश्वर की तरफ चलेंगे। गाइस हर चीज की व्यवस्था कर रखी है, इधर देख सकते हो आप, डांस डांस भी कर सकते हो। अब जा रहे हैं हम तपकेश्वर की तरफ, तपकेश्वर में देखेंगे। इधर देखो स्टार्ट हो गई परिक्रमा, लोगों ने स्टार्ट कर दी इधर से परिक्रमा चलना, मतलब इधर से जाएंगे 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर ओनली पैदल चलेंगे, और हम तो जा रहे हैं ओनली बाइक से। हम वैसे कुछ सिलसिले में नहीं आए कि 70 किलोमीटर हम भी 24 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे, हम तो ओनली टूर एंड टूर करने आए हैं ऐसे ही घूमने के लिए। तो आपको सीन दिखाते हैं, फिलहाल तो आगे गाड़ी जा रही है, गाड़ी में भी है और काफ़ी लोग वैसे घूम के भी आ गए। ये देखो सारे के सारे परिक्रमा देने जा रहे हैं, तो इसको उसकी स्टार्ट कर दी इन्होंने परिक्रमा, बैग वैग सब कुछ वैसा कर रखी है इन्होंने। इधर देखो जगह जगह भंडारे भी हैं, मतलब हर चीज की व्यवस्था है, ऐसे ऐसे कुछ बात नहीं है कि अपन आश्रम वाश्रम, मतलब रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था कर रखी है इधर। सोभावती धाम नींबू पानी सेवा, तो सोभावती धाम नींबू पानी सेवा, इधर देखो तो इधर सब कुछ नींबू पानी सेवा, आश्रम मतलब रुकने की व्यवस्था, ये रही नींबू पानी, तो पीते हैं इनको नींबू पानी, पकड़। यस बॉस थैंक यू, खाते हैं नींबू पानी, अच्छी व्यवस्था कर रखी है इधर। आगे चलते हैं इधर से,
मतलब जो भी पैदल यात्री है ना उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह रुकने की व्यवस्था भी आज मतलब टेंट वेंट लगा रखे हैं, ऐसे आश्रम रुक सकते हो जगह जगह, और नींबू पानी खाने की व्यवस्था हर व्यवस्था कर रखी है। देखो काफी लोग आ रखे हैं इधर घूमने के लिए, मतलब चौबीस कोस की परिक्रमा करने के लिए, अंकल आंटी दादी दादा सबको सब लोग आ रही है, साथ में हमारे साथ में जा रही है गाय, दो गाय भी जा रही है आगे की तरफ, ये भैंस है गाय है, ये बॉडी हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सबकी इच्छा पूरी करे भगवान। और ये तो चौबीस को उसकी परिक्रमा देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, सब मिलकर ये देखो भंडारा अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है, मतलब बैठने की व्यवस्था, डीजे वीजे हर व्यवस्था। लोग कहते हैं पागल ये हम, जिसे जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना परिक्रमा वहीं जाके खत्म होती है, इसको बोलते हैं चौबीस कोस की परिक्रमा, बेहतर किलोमीटर जहाँ बोल बेहतर किलोमीटर बोलते हैं वहाँ पे। अपने सारे सामान लेके आए थे तो वैसे लोग, ओए अभी तो केला मुंह पे पड़ता, कई दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है कतारों में, लंबी कई दूर तक आ रहे हैं लोग, चौदस को तो ज्यादा भीड़ होगी, तो चौदस में क्या है सब लोग जाएंगे सब लोग आएंगे, तो ये रास्ता पूरा भरा हुआ मिलेगा, ये देखो जगह जगह मतलब एक किलोमीटर के अंदर ही भंडारा है, और रुकने की व्यवस्था कर रखी है, डीजे वीजे लगा रखे हैं, डांस भी कर सकते हो इधर, तो देखो वहाँ पे भी देखो टेंट वेंट की व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह दुकानों की व्यवस्था भी कर रखी है, अगर दुकानों से सामान लेना चाहो तो दुकान भी ले सकते हो, और वैसे सामान लेना चाहो तो वैसे तो है ही अवेलेबल, और बच्चे भी काफी साथ दे रहे हैं इसमें चौबीस कोस की परिक्रमा करने में। कोई ऐसा गीत बजा स्पीकर बज जाए, ये देखो गाइस दूसरा आ गया भंडारा, मतलब इधर भी देखो रुकने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर रखी है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप भी कर सकते हो भंडारा, ये डांस भी कर सकते हो, अपन करके अपन करेंगे बाद में आती डेम, फिलहाल तो जाके आते हैं। ये आ गया हम तपकेश्वर, वो मंदिर आप देख सकते हो, वो है तपकेश्वर का मंदिर, और ये इधर देखो भंडारा लगे हुए हैं अच्छी तरह से है भंडारा, और इधर तो काफी भीड़ है काफी लोग आ रखे हैं, इधर छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई है खिलौने की वैसे भी दुकानें लगी हुई है, समोसे वमोसे की बता रहा है सुनील, मुझे नहीं लग रहा तपकेश्वर की ज्यादा भीड़ है, तपकेश्वर में सीखता है तपकेश्वर में इतनी भीड़, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाने देते हैं, और हम जा रहे हैं सीधा आम्बी कुंड की तरफ ही, और थोड़ी ऊपर खड़ी करते हैं बाइक को, और पानी पानी भी लेता हूँ फिलहाल तो इधर से, ऊपर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उधर देखो टेंट वेंट लगे हुए हैं काफी लोग आश्रम मतलब विश्राम भी कर रहे हैं, और इधर देखो डीजे वीजे बज रहे हैं अच्छी तरह से, सामनी कॉमनी हर जगह मतलब एक 15-15 मिनट की दूरी पर ही है, सामनी कर रहे हैं और रुकने की व्यवस्था है, वो तो है तपकेश्वर, हम जा रहे हैं आमली कुंड की तरफ, पूरा ऊपर ये है कुंड, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, फिलहाल तो अंदर चलते हैं मंदिर के, कल तो मैंने उस दिन तो मैंने आपको मंदिर नहीं दिखाया था, लेकिन आ जा रहे हैं मंदिर के अंदर, चलो लोग आज आपको मंदिर दिखाते हैं, No matter how much we want.
फिलहाल तो अपन गाइस फिलहाल तो नीचे उतर रहे हैं आमले रोड की तरफ जा रहे हैं इधर से फिलहाल नीचे जो है काफी लोग नाचते हैं और जा रहे हैं इधर से जाएंगे इस पर दबकेश्वर की तरफ दबकेश्वर में ज्यादा भीड़ है तो उधर ही देखेंगे चांस वांस तो फिलहाल तो सुनिए लेके आ रहे हैं बाइक को चलेंगे आगे तो गाइस फिलहाल तो इधर से निकलते हैं दोपहर में होता है प्रोग्राम तो आपको दिखाते हैं देखो काफी भीड़ फिलहाल तो इधर देखो सोप सारी सोप अवेलेबल है और इमरजेंसी सेवा भी अवेलेबल है जैसे हॉस्पिटल की हो गई सबसे सब इस पर मतलब जहाँ से स्टार्ट होते हैं लोहागढ़ से स्टार्ट करो तो लोहागढ़ से जाके खत्म होती है उसमें सारे मंदिर आ जाते हैं जितने भी इधर से इधर लोहागढ़ इधर जितने भी इसमें मंदिर आते हैं सारी परिक्रमा होती है इसको बोलते हैं 24 कोस की परिक्रमा मतलब जितने सारे मंदिर आ जाएंगे इसमें ऑल अबाउट मंदिर फिलहाल तो हम जाते हैं मौसम और मतलब लोहागढ़ से स्टार्ट होकर लोहागढ़ से खत्म होती है अगर सोभावती से स्टार्ट करो तो सोभावती खत्म होती है काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हैं और 14 को क्या है काफ़ी श्रद्धालु लोग आएंगे तो 14 को देखते हैं कि वापस मैं जाने का विचार है कि वापस जाके आऊँगा 14 को तो अभी आपको ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल में सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं चलते नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के लिए बाय बाय गाइस।